Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. But last time हमने आपको कुछ activities explain की थी, that is the about how electromagnet behave. So हमने जो last activity में जो कुछ पढ़ा उसको बाद एक बार थोड़ा सा repeat करना चाह रहा हूं मैं. इसमें हमने एक बात देखी थी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट. जो हमने लास्ट पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं हम. इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हमने उस एक्टिविटी से पढ़ा था जो मैं लास्ट में की थी. और दूसरा हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing the magnitude of current by increasing magnitude of current or third number हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing the number of turn, turns of wire. ये सारी बात के जो conclusion आपके निकले थे वो हमारी लास्ट एक्टिविटी के थे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट. लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. दैट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. बेटा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करें, ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल for treating eyes injuries in which iron splinter are removed from the eyes with it. आपको पता है by mistake किसी भी patient को, किसी भी व्यक्ति के आंख में अगर कोई भी iron particles या कुछ चीज अगर गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए electromagnet काम में दी जाती है. So please remember, इसमें एक simple सा answer होगा, in hospitals for treating eye injuries. Okay, second point dekh raha beta, it is used in crane in steel work and scrapyard for lifting heavy load in the iron container. Dusri baat, मतलब अपन इसको इतना सा कह सकते हैं, इन क्रेन्स इन स्टील फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड. ओके, ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट नंबर देखो आप बेटा,
इन लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, लाउड स्पीकर्स। ओके, और नेक्स्ट नंबर होगा बेटा आपका इन टेलीफोन, इन टेलीफोन्स। तो ध्यान से सुनना, लाउड स्पीकर के अंदर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है और वो साउंड का सिग्नल्स को मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का काम करती है। और टेलीफोन के अंदर टू पोर्शंस होते हैं, एक माइक्रोफोन होता है और रिसीवर होता है। तो हम कह रहे हैं कि रिसीवर के अंदर जो है ना उसमें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, दैट इज द इन रिसीवर। ओके, इतनी बात याद रखोगे। नेक्स्ट नंबर, दैट इज इन द रिले। ए रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। सम रिलेज यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ स्विच, सम ऑफ देम फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड रिले। तो ध्यान रखना, जो भी कोई रिले ट्रांसमिशन वगैरह होता है उसके अंदर भी इसका काम होगा, दैट इज द इन रिले। और उसके बाद सुनना बेटा, नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में, दैट इज इन द इलेक्ट्रिक मोटर। प्लीज रिमेंबर, इन इलेक्ट्रिक मोटर। इस मैटर को आप ज्यादातर 10th लेवल पे पढ़ेंगे। जो भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में ली जाती है। आपके वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर काम करती है। और इसके बाद इस लेसन का लास्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक बेल। यू नो everybody इज फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। इट हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक बेल, और इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो प्रिंसिपल काम करता है वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक बेल। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक बेल ओनली किस प्रिंसिपल पर काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इसके बाद हम बता रहे हैं, आपको डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर, इसके बाद हम बता रहे हैं बेटा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। उसमें फर्स्ट नंबर होगा आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सेकंड नंबर होगा आपके पास आर्मेचर। ओके, थर्ड नंबर होगा आपके पास कॉन्टेक्ट स्प्रिंग। ये सब डायग्राम में मिल जाएंगे आपको, ध्यान से देखिए, कॉन्टेक्ट स्प्रिंग। और नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास, दैट इज कॉन्टेक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट, कॉन्टेक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। और नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास हैमर, दैट इज हैमर एंड गोंग, हैमर एंड गोंग। ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं ध्यान से देखना। When the switch of the bell is pushed, जैसे ही बेल के स्विच को पुश किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करेगी।
अब ध्यान से डायग्राम में देखना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना वो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप जिसको आर्मेचर बोलते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है सर्किट में, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन आर्मेचर जिसको स्ट्रिप बोलते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। द हैमर अटैच टू द स्ट्रिप, और जो स्ट्रिप से जो हैमर जुड़ा हुआ है वो गोंग पर बीटिंग करेगा, कॉजिंग ए रिंग, उसकी वजह से बेल बजने का काम शुरू होगा। पहले मेरी बात सुनना बेटा, यहां पर ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है इसको हम गोंग बोलते हैं, बुक में देखना एक बार। और साइड पर ये सर्किट के साथ जो कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम हैमर, ये होता है आपका हैमर। तो ये मतलब जो हैमर है वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसको बीटिंग करेगा और साउंड डेवलप होगी। इट इज नो लॉन्गर टच द स्क्रू इंटरप्टर एंड हेंस द सर्किट इज ब्रोकन। तो अपने को जो भी इलेक्ट्रिक बेल बजाते हैं तो एक बार स्विच को पुश किया उसके बाद वापस छोड़ देना चाहिए ताकि ये वापस जो हैमर है अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप ऐसा कर सकते हैं। इट इज मच लाइक ए स्विच बीइंग, इट इज मच लाइक द स्विच बीइंग टर्न ऑफ। This is turn off the electromagnet and it can no longer attack the soft iron. अब जैसे ही आपने एक बार उसको पुश कर दिया तो इस हैमर ने गोंग को बीटिंग कर दिया क्योंकि इसमें मैग्नेट है और वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच को छोड़ देते हैं तो फिर वापस सर्किट ओपन हो जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना इफेक्ट खत्म कर देती कुछ टाइम के लिए और ये हैमर वापस अपनी पोजिशन पे पहुंच जाता है। So the soft iron strip returns to its initial position touching the screw. This result in the circuit to complete and current flow again. फिर दोबारा से जैसे आप उसको स्विच वापस से पुश करेंगे इलेक्ट्रिक बेल का बोर्ड में जो लगा है फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होने से ये हैमर फिर गोंग को बीटिंग करेगा। तो इस तरह से बेल बजने का काम होता है। This result in the circuit to complete and the current flow again. This is how we hear the continuous ringing sound of the bell. लेकिन आपको पता है ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक बेल है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बेटा बहुत सारी म्यूजिकल बेल आपको सुनाई देती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक बजर होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक बेल की जगह इलेक्ट्रिक बजर काम में लिए जाते हैं। विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट, तो उनका जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग का वो इलेक्ट्रिक बेल के प्रिंसिपल से डिफरेंट होता है। So, मैं आपको बता दूं बेटा, दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस लेसन और एंड ऑफ आवर दिस सिलेबस आल्सो। राइटिंग वर्क यू आर गेटिंग ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप और रिमेनिंग वर्क और रिवीजन ऑफ कंप्लीट कोर्स इट इज कंप्लीटेड ऑफलाइन इन द स्कूल क्लास। सो नाउ नो वीडियोस विल बी सेंड आफ्टर दिस, दिस इज द लास्ट एंड कोर्स इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू वेरी मच। Okay, best of luck.